हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और बहुत ही इजीली बन जाता है। आज मैं दो तरह के नारियल के लड्डू बनाने वाली हूँ, बच्चों के लिए चॉकलेट वाले नारियल के लड्डू और बड़ों के लिए नॉर्मल लड्डू। अब हम एक नारियल लेते हैं, इसके सारे ऊपर के छिलके छील लेते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और इसे मिक्सर में डाल के बारीक पीस लेते हैं। आप चाहिए तो बाज़ार से नारियल खरीद ले भी सकते हैं कटे हुए। नारियल को हम बारीक पीस लेते हैं। पीसने के बाद 1 कप के आसपास नारियल हमारे हो गए हैं बड़े कप से। अब इसे एक बड़े बाउल में हम निकाल लेते हैं। अब गैस पे एक बर्तन रखते हैं हम और इसमें छोटे कप से 1 कप हम दूध डालते हैं मलाई वाली। अब इसमें छोटे कप से 1 कप चीनी ऐड कर लेते हैं, 5-6 चम्मच चीनी है हमारा ये। इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं और इसमें कद्दूकस के बाद नारियल डाल लेते हैं। सारे पीसे हुए नारियल इसमें हमने डाल दिया है। गैस को मीडियम ही किया है हमने। गैस को अब ऑफ कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हल्का से इसको ठंडा होने देते हैं। अब इसे लड्डू का शेप दे देते हैं हम। इसमें हमने घी तेल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब फिर थोड़ा सा हम नारियल के बुरादे को मिला देते हैं। देखिए कितने अच्छे शेप में हमारा लड्डू तैयार होगा, कितना ईजीली और कितना यमी भी लग रहा है। अब बचे हुए नारियल से हम अलग अलग डिज़ाइन बना लेते हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमने चॉकलेट ले लिया, इसे अच्छे से हम पिघला लिए हैं। अब सारे नारियल को हम चॉकलेट में डिप करके अच्छे से उसमें चॉकलेट लगा के निकाल देते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा, बहुत ही यम्मी भी है खाने में। बच्चों खाने में बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी नारियल के लड्डू बहुत ही यम्मी लगेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय दोस्तों।